सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के स्मार्ट खेती अपडेट के अंदर हम जानेंगे टमाटर की फसल में लगने वाले अगेती झुलसा रोग की पहचान एवं इसके नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। यदि आपको खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। किसान भाइयों, टमाटर की मांग वर्ष भर रहती है, इसके लिए इसकी खेती 12 महीने की जाती है। टमाटर की खेती में विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप एवं संक्रमण होता है, जिसकी वजह से इसके उत्पादन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में लगने वाला अगेती झुलसा यह एक बहुत ही गंभीर रोग है। इस रोग की शुरुआत जो है टमाटर की निचली पत्तियों से शुरू होता है, जिसमें पत्तियों के ऊपर गोल धब्बे बनते हैं और उनके किनारे पीले हो जाते हैं। साथ ही किसान भाइयों, यह धब्बे संक्रमण अधिक जब होता है तो यह धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं और कोमल पत्तियों पर, टहनियों पर और फलों पर देखे जाते हैं। इस रोग का यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो हमारी फसल के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव होता है और कभी कभी इसका अधिक प्रकोप होने की वजह से पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए। सर्वप्रथम मृदा परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। बीज हमेशा प्रमाणित लगाना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, एक स्थान पर जहां पर इस रोग का संक्रमण देखा गया है 3 वर्ष तक वो फसल नहीं लेनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मृदा में उपस्थित फफूंद और कीट नष्ट हो जाए। साथ ही रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सिंजेंटा कंपनी का एमस्टार एजेक्सोस्ट्रोबिन 23% SC 200 ml 200 लीटर पानी के साथ एवं धानुका कंपनी का कासू भी कासुगामाइसिन 3% SL 400 से 500 ml 200 लीटर पानी के साथ, या फिर धानुका कंपनी का अपना कैप्टन 75% WP 666 ग्राम 400 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो इनको अदल बदल कर प्रयोग करें। किसी भी दवा का लगातार प्रयोग ना करें एवं आपके रोग की संक्रमण की अवस्था जो है और आपके खेत की मिट्टी, जलवायु के आधार पर दवाइयों के डोज में कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आप भारत एग्री के कृषि डॉक्टर से संपर्क करें। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।